जयपुर से दिल्ली यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर फिलहाल बता रहे हैं। दिल्ली यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी, जयपुर दिल्ली सराय रोहिला जयपुर डबल डेकर का शुरू होगा संचालन। साथ ही आपको बता दें कि अप्रैल के पहले हफ्ते से इस ट्रेन का संचालन शुरू किया जाएगा। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी ऋषभ पांडे इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऋषभ, अच्छी खबर आ रही है, जो लोग जयपुर से दिल्ली की यात्रा करते हैं उन यात्रियों के लिए क्या ये खबर और क्या पूरी जानकारी ऋषभ? बिल्कुल, देखिए जयती, जयपुर दिल्ली जो यात्रा करने वाले लोग हैं उसमें सबसे लोकप्रिय जो ट्रेन थी वो जयपुर दिल्ली डबल डेकर थी, और उसका जब संचालन बंद किया गया था तो उसके बाद लोगों के चेहरे पर मायूसी देखी जा रही थी। हालांकि उस टाइम भी उत्तर पश्चिम रेलवे ने यही बताया था कि जो यात्री भार है वह कम देखा जा रहा है, करीब 20 से 30% यात्री भार रह गया था, तो उसके बाद इस ट्रेन को बंद कर दिया गया था। लेकिन अब एक बड़ी खुशखबरी जो सामने आई है उसमें साफ तौर पर जयपुर दिल्ली सराय रोहिला जयपुर जो डबल डेकर है उसको अप्रैल के पहले हफ्ते से शुरू कर दिया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने इसको लेकर जो मंजूरी है वो दे दी है। और देखिए, अगर देखा जाए तो जो जयपुर दिल्ली यात्रा करने वाले लोग हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी रहेगी, क्योंकि देखिए इस ट्रेन से यात्रा करना लोग ज्यादा पसंद करते हैं, और साफ तौर पर जब ये ट्रेन अगर देखा जाए सुबह जाती है वालों के लिए काफी फायदेमंद है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खुशखबरी है लोगों के लिए, और साफ तौर पर इसका जो संचालन है वो जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। जी ऋषभ, इसके अलावा यात्री भार कम होने की वजह से ट्रेन को बंद किया गया था, किस तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा कि यात्री भार पहले के मुकाबले अब बढ़े, और क्योंकि कोविड का भी अभी दूसरी लहर चल रही है उसकी कैसी व्यवस्थाएं ट्रेन की रहेगी? रेलवे बोर्ड ने क्या जानकारी दी इस बारे में? देखिए, अगर बात करी जाए तो कोरोना को लेकर जो नए एक बार मामले सामने आ रहे हैं तो उसके बाद रेलवे लगातार सतर्क दिखाई दे रहा है, और राज्य सरकार से जो राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं कि 25 तारीख के बाद जो टीमें हैं वो बैठा दी जाएंगी स्टेशन पर। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिस तरह से जो लोगों की भीड़ आती है स्टेशन पर उसको किस तरह संभालेंगे, और दूसरी तरफ जो लोगों की मांग थी कि डबल डेकर चला जाए तो उसके बाद इस ट्रेन को फिर से शुरू किया गया, क्योंकि देखिए दिल्ली यात्रा करने वाले लगातार मांग कर रहे थे कि जयपुर दिल्ली डबल डेकर को शुरू किया जाए, और साफ तौर पर अगर इसको चलाया जाता है तो एक बड़ा जो सवाल आएगा रेलवे के ऊपर, क्योंकि देखिए यात्री भार अगर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं जो अभी कोरोना की नई गाइडलाइंस जो जारी करी है और जो राज्य सरकार कर रही है उसमें बड़ा एक सवाल खड़ा होगा, क्योंकि भीड़ जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, देखा जाए तो बीते दिनों भी 20 से 25 पॉजिटिव केस सामने आए थे जो रैंडम जांच में सामने आए थे। तो कहीं ना कहीं एक आगे देखने वाला हुआ कि जब ये ट्रेन चलती है जब भीड़ आएगी तो उसके बाद रेलवे किस तरह से इसको संभालता है। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली यात्रा करने वाले जो लोग हैं उनके लिए खुशखबरी रहेगी, क्योंकि अगर जब ये ट्रेन चलती है तो उनको फायदा बिल्कुल होगा। जी जी, चलिए ऋषभ, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।